जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और कमिटमेंट के साथ करेंगे। मैंने कहा था, मैंने आग्रह किया था सभी चूल्हा के, क्या इसी कागज का इंतजार करता है? जाके अगर ये बूथ की सूची और एजेंट का पेपर दे देंगे तो सही सलामत चला जाएगा उनको टू पिठोरिया से जाएगा क्या? तो किसका इंतजार करता है? लिफाफा का। ये कॉमन है, देखो पॉलिटिकली ये कॉमन बात है, क्योंकि यही परिपाटी लगभग सब पार्टी में। उसको अगर आप बोल दिए जैसे देखो मतदाता का सूची छूट गया है, एजेंट का फॉर्म छूट गया है, लिफाफा बोलो ये दे दो ना, वो कल भेज दीजिएगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ही सोच है कि नहीं है? है कि नहीं भैया? देखो स्वीकार करो तो राजनीति अच्छी होगी, यही परिपाटी है। अब इस राजनीति से, इस परिपाटी से कोई चुनाव जीता जाता है क्या? जीत सकते हैं क्या? कि 200, 300, 500 रुपया के लिए मर्यादा त्याग करने वाले जो अगर बूथ में कार्यकर्ता रहेंगे तो आपका कोई संकल्प पूरा होगा क्या? हो सकता है क्या? तो आज जो लोग यहाँ पर आए, जो लोग पार्टी के प्रति वफादार करते हैं कि भाई टिकट मिलना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, मैंने कहा कि कितना बड़ा चुनौती मैंने लिया, ये चुनौती अगर मैंने लिया तो ये चुनौती मेरा गांव का एक कार्यकर्ता को भी लेना होगा, स्वीकार करना होगा अपना प्रतिनिधित्व। यहाँ कोई दूसरा नहीं जीत सकता है, जीतेंगे तो आप, कोई फॉर्मूला यहाँ काम नहीं करेगा, यहाँ के नौजवान अपना तकदीर खुद लिखेंगे, ये तैयारी आपको करना है कि जाइए। ये 25 लोगों की सूची जो हमारे पास है, ये 12,000 लोगों की, चूंकि आपको यहाँ पर खलारी बुड़मू कांके, खलारी का 60 बूथ, बुड़मू का 82, कांके का 193 और महानगर का 146 बूथ है हमारे पास।